बच्ची। हे भगवान, मुझे नहीं पहचाना। अरे बेटा, मैं तेरे पापा की चाची की बहन की ननद हूँ। पता है, कल मैं संजू से मिली थी। सुना है उसके 90% आए हैं। वैसे मेरे बबलू के भी पूरे 96% आए थे एक बार। स्पोर्ट्स में तो नंबर 1 है मेरा बेटा। घर तो आपने ठीक ठाक बना लिया, पर ये लोकेशन कुछ मुझे जमा नहीं। ये देखो मंदिर, ये वास्तु के हिसाब से मंदिर की दिशा बिल्कुल गलत है। चलो खैर, अब तो घर बना ही लिया है। बढ़िया है, बढ़िया है। हाय आंटी। हाय बेटा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी और कितनी बड़ी हो गई है। तेरी शादी की उम्र हो गई है अब। हाँ, तेरी मम्मी लड़की नहीं देख रही। कोई बात नहीं, मैंने तो तेरे लिए बहुत अच्छा NRI लड़का ढूंढ के रखा है। अरे देखो तो, इतनी बड़ी हो गई है और बड़ी फैशनेबल भी हो गई है। बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये जो तुमने स्कर्ट पहनी है ना, थोड़ी ज्यादा छोटी नहीं है? बाहर तुम्हें तरह तरह के गंदे लड़के देखेंगे, घूरेंगे और फिर ये सोसाइटी क्या बोलेगी, है ना? इसीलिए बेटा तुम ना सलवार कमीज पहन लो जाके। मिसेस कुमार, मैं भी आपके बाथरूम से आई तो कितनी सीलन हो रखी है आपके, टाइल्स नहीं लगाई आपने और आपका नल तक इतना लीक कर रहा है। और देखिए मिसेस पांडे, ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप तो अपने लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी ना। मिसेस कुमार, हम इस बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले आप सब लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना टू पॉप एक्सो टीवी।